हेलो दे गाइस, दिस इज तौसीफ अहमद एंड आज मैं आपको हेलमेट क्लीन करने का एक वे बताऊंगा। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेगा हेलमेट। ऑलराइट, ये क्रक्स हेलमेट है तो इसको हम ऊपर शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो पहले तो हमको कॉल इन होना पड़ेगा और यू नो लाइक बिफोर दिस, ओके, यू जस्ट नीड टू शिफ्ट दिस अप। ये शिफ्टर हेलमेट है तो मैं इसको लाइक स्टार्ट करने का मकसद ये है, यानी क्लीनिंग का मकसद मेरा ये है कि आपको पता चले कि हेलमेट कैसे मेंटेन हो, क्योंकि अगर हम लोग हेलमेट को क्लीन नहीं करते हैं तो एक्चुअली इसमें बहुत सारी डर्ट फॉर्म हो जाती है एरिया में, जिससे आपको कंटिन्यूसली पहनने पर यू नो यू विल हैव अ लॉट ऑफ हेयर फॉल एंड लॉट ऑफ स्वेट और गंदी सी बदबू आने लगती है ऑलमोस्ट यू नो 20 to 30 days के बाद। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट आप अपनी हेलमेट को क्लीन करते रहे लाइक एवरी 20 days to 1 month, एटलीस्ट महीने में एक बार तो करना ही चाहिए। तो पहले यहाँ पर जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये जो पार्ट होता है यहाँ पर, सो इसको यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, इसको मैं दो बकल्स पर लगा हुआ होता है, ये बकल्स नहीं बटन, सॉरी, यस, ये मैंने खींच दिया है दो बटन्स। सिमिलरली मैंने यहाँ के भी ऑलरेडी खींच दिया था और ये खींचने के बाद ना ये फ्री हो जाते हैं, चीक पैड्स इसके बोलते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से निकालने की कोशिश कर ली और मैंने ये निकाल दिया। सिमिलरली जिसको मैंने निकाला था ये भी मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। ऑलराइट, सो ये दो चीक पैड्स मैंने निकाल लिए तो इस पर भी काफ़ी गंदगी और डर्ट, यानी कि यू नो डर्टी स्मेल आ रही है। सो इसको लाइक डायरेक्टली मुझे लाइक सर्फ में या टाइड में भिगो देना चाहिए ऑलमोस्ट फॉर 20 minutes to 1 hour, ताकि इसकी पूरी गंदगी चले जाए। ऑलराइट, अब ये हो गया तो मैंने इसको बाजू रख दिया। और रही बात इसकी, अब ये पार्ट हेलमेट का मेन होता है, यानी कि ये शेल जो होता है हेलमेट का, इसमें होता है। सो कई लोग ने मुझे ये पूछा है कि भाई क्या हम लोग हेलमेट को ही पानी में डुबा दें? माय आंसर इज नो, हेलमेट को बिल्कुल भी नहीं डुबोना पानी में। आप यहाँ से इसको खींच सकते हो धीरे से, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर यू पुल इट वेरी स्लोली, क्योंकि अगर आप एकदम से खींचोगे तो ये फटने का अंदेशा, यानी कि चांस हो सकता है, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसको ग्रेजुअली खींचना शुरू करूँगा, अगर ये आ जाएगी धीरे धीरे, ओके, जैसा आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने इसको यहाँ से निकालना शुरू किया। इवन आई वॉज हैविंग स्टड स्कॉर्पियन हेलमेट, मैं उसको भी ऐसे ही धोता था। सो जैसा आप लोग देख सकते हैं ये धीरे धीरे से आ जा रहा है। ऑलराइट, इसको बहुत धीरे से करना है। ऑलराइट, तो इसको मैंने ऐसे निकाल दिया। अब इसको भी मैंने लाइक मुझे इसको सर्फ या टाइड में भिगोना है एंड इसकी पूरी डस्ट जब तक नहीं चले जाती, आई हैव टू मेक श्योर दैट द हेलमेट बिकम्स वेरी क्लीन। आई मीन नॉट जस्ट यू नो इसको टाइड में डालना है, बल्कि हमको टाइड में डालने के बाद मुझे डिटॉल में भी भिगोना चाहिए, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं ना वो कम्प्लीटली चले जाते हैं। सो ये रहा लाइक शेल हेलमेट का। ऑलराइट, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सी शेल एक्चुअली इसको चिपका कर होता है, दिस इज अ थर्मोकॉल। राइट, सो इसको हम छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये जो कवर आता है ना इसको, ये वाले को धोएंगे। ऑलराइट, ये वाला और ये चीक पैड और ये चीक पैड, दैट्स इट। सो मैं इसको धोकर इसे कैसा फिक्स बैक करते हैं मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पीपल। सो देखिए, पूरे हेलमेट्स का फिटिंग मैकेनिज्म सेम ही होता है। यहाँ पर ये जो बटन्स बैठते हैं, ये जैसा आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी दो बटन्स होते हैं जैसा आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे पीपल। आई हैव जस्ट टेकन आउट द कवर्स, ऑलराइट, ऑल ऑफ दिस। अब मैं इसको पानी में भिगा दूंगा। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पीपल। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर not this helmet but a fixed helmet. Goodbye.